हेलो दोस्तों, मैं योगेश भाटिया आपका अपना दोस्त आज से एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ। मैं रोमा भाटिया। हेलो दोस्तों, हम रामगढ़ जा रहे हैं और अभी गढ़ बुकेश्वर पहुँचे हैं। अब आप देख सकते हैं बारिश का कितना मौसम सुहाना, और इस बरसात ने ये कर रखा है कि आगे देखना मुश्किल हो गया है। बरसात का आनंद, आगे आगे और मौसम कैसा रहेगा आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। आज का हमारा ये चैनल जो है वो शुरू हुआ है सुबह 7 बजे से। हम लोग नोएडा से सुबह 7 बजे से चले, उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया बीच में गढ़ मुक्तेश्वर में, एक कप चाय पी। गजरोला आने में हमें तकरीबन 2 घंटे लगे। सुहाना मौसम, मस्त हवाएं। दोस्तों, वी आर अबाउट टू टच मुरादाबाद। मुरादाबाद यहाँ से 46 किलोमीटर रह गया है एंड हम लोग 15-20 मिनट में ये रास्ता कवर करेंगे। रोड इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी फास्ट यू कैन ड्राइव। 100 की स्पीड है यहाँ पर, इससे ज्यादा ना चलाए नहीं तो आपके घर चलाना आ सकता है। पहले योगेश, आपको पता है कैसे था यहाँ पर एक्सप्रेस वे ये वाला जो हम जा रहे हैं? सन 2005 में जब रोमा हम फर्स्ट टाइम आए थे कॉर्बेट, तो यहाँ पानी की बोतल, चाय, मतलब कुछ भी नहीं था, सोचना पड़ता था। मतलब आज देखो कितने अच्छे अच्छे ढाबे बन गए हैं, शिवा टूरिस्ट, कैथल, हवेली, बीकानेर वाला मैकडी, केएफसी, इवन आपका वो कैफे कॉफी डे कौन सा होता है, वो इतने अच्छे अच्छे बर्गर किंग, इतने अच्छे अच्छे ढाबे बन गए। आप तो यहाँ इस रोड के ऊपर आपको हर चीज इजीली अवेलेबल है, और आज से 15-20 साल पहले कुछ नहीं होता था, सिंगल रोड होती थी, आज ये 6 लेन रोड। काशीपुर मोड़ पे पहुंचने वाले हैं, मुरादाबाद क्रॉस कर रहे हैं काशीपुर मोड़। मतलब इतना टाइम में हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए? हाँ रुमा, क्या है, पहले सिंगल रोड होती थी, अभी 3 लेन 6 लेन रोड्स बन गई हैं, तो उसकी वजह से रोड्स पे रश कम हो गया है, और रोड्स पे रश कम होने की वजह से ड्राइविंग स्मूथ हो गई है, सेफ हो गई है। ज़्यादा स्पीडी ड्राइव नहीं करनी चाहिए जिससे कि आप लोग सेफली अपने अपने घर। दोस्तों, हमने लेफ्ट लिया है मुरादाबाद हाईवे से टुवर्ड्स काशीपुर। अब हम काशीपुर की तरफ चलेंगे और वहां से हम रामगढ़ का रास्ता आएगा, हम फिर आपको हसीन वादियों में ले जाएंगे। ज़्यादा पहाड़ टूट रखे हैं, इतने पहाड़ टूटे हैं रास्ते में, बहुत बुरा हाल है। सारी सड़कें दरक गई हैं, इस बार की बारिश ने तो काफी बुरा हाल किया है। तो ठीक कही है उन्होंने, अपना भी ख्याल करके ड्राइविंग करें। काफी लैंडस्लाइड है, संभाल कर चलिए, कोई
हम चाय पीने रुके हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी शॉप है, छोटी सी है पर अच्छी लग रही है। चाय के साथ कुछ लेना है योगेश? योगेश चाय के साथ लोगे? नोएडा से नैनीताल पौने 6 घंटे, माल रोड टच। नैनीताल का माल रोड सैलानियों की पसंद। अब हम नैनीताल झील पहुंच गए हैं, अब आप झील का नजारा ले सकते हैं। आज वेडनेसडे है और इधर की मार्केट नैनीताल की वेडनेसडे को बंद रहती है, इसलिए ज्यादा रश नहीं है, पर फिर भी काफी रश है। नैनी झील भी काफी भरी पड़ी है। वाह, सबवे भी खुल गया नैनीताल में। आपको इस टाइप के स्नैक्स कॉर्नर्स मिल जाएंगे। कितना अच्छा बना हुआ है योगेश। हाँ, नाइस। ये तो हम दिल्ली में, नोएडा में इस तरह की जगह देखते थे। ये पहाड़ों पे ही अच्छा लगता है क्योंकि आप फूड स्टॉल्स जो है उनकी छतों पे बैठते हो। सेल्फी पॉइंट, व्यू पॉइंट। यहाँ बड़ा रश रह रहा है, लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, टूरिस्ट आके एंजॉय करते हैं। यस, दोस्तों हम गागर पहुंच गए हैं और ये गागर का फेमस शिव मंदिर है। ये गागर का व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा। हिमालय व्यू दिख नहीं रहा, मुझे भी यही लग रहा है। अभी ना बादल आए हैं, इस वजह से व्यू दिख नहीं रहा कुछ। काफी सारे रिजॉर्ट्स, होम स्टेज काफी सारे बने हुए हैं। ये छोटा सा कैफे है। ये हम मल्ला की मार्केट में पहुंच गए हैं। यहाँ का सबसे मशहूर प्लांट है मदरेरी का, फ्रूट एंड वेजिटेबल का। अब हम यहाँ से डाक बंगला रोड की तरफ उल्टे हाथ को मोड़ेंगे। ये अब हम डाक बंगला रोड पे चल रहे हैं। यहाँ से नीचे जाके आपको काफी सारे होम स्टेज मिलते हैं। दोस्तों हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके हैं और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द ब्लॉग। योगेश भाटिया।